जिला पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक यहाँ पहुंचे हैं। जिस दिन घटना घटी थी उसी समय तत्काल मौके पर आ गए थे। मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए और वो कैसे मिलेगी? जब उस बेटी का पोस्टमार्टम होगा, उसका ऑफिसर होगा, सामूहिक बलात्कार प्रूव होगा, उस घटना को रियरेस्ट ऑफ रियर का दर्जा मिलेगा, उस घटना के अंदर कोई तारीख नहीं पड़ेगी, उसकी लोक सुनवाई होगी और चालान कम से कम समय में होगा। ये बात सरकार की तरफ से, मैं भी आपका समाज का बेटा हूँ इसलिए अधिकारियों को मुझे सुनना चाहता हूँ। इसलिए मैं जिला एसपी को कहूंगा कि जो हमारी सबसे बड़ी मांग है उसके बारे में हमें बताएं कि मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जो निर्देश दिया उसके बाद आप लोगों ने क्या निर्णय किया। ये जो मामला है बहुत बड़ा और जघन्य अपराध है। उसी तत्परता से इस मामले में पहले दिन से पुलिस ने कार्रवाई करी है। 9 लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया है, महिला और जो नाबालिग बच्चे थे उनको तक नहीं छोड़ा है। तो हम इस जघन्य अपराध में किसी को नहीं छोड़ेंगे। कम से कम समय में 15 दिन के अंदर हम इसमें चालान प्रस्तुत करेंगे। हम आश्वस्त करते हैं कि डेली इसकी तारीखें पड़ेंगी और इसमें सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। हम इसमें फांसी की सजा दिलवाएंगे सबको। और इस प्रकरण में आप बिल्कुल निश्चित रहे, आप और हम एक है, समाज, प्रशासन, पुलिस सब एक है, हमारा ध्येय एक है, हम आपके साथ हैं और आप हमारा हाथ मजबूत करें, हमें सहयोग करें। जय हिंद। बिल्कुल इसको केस ऑफिसर्स की भी हम लगाएंगे और डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और भी इसमें जो संलिप्त है उन पर हम कार्रवाई करेंगे। हम और आप इसमें एक है, बिल्कुल आप निश्चित रहे। मेरा आपसे यही जो आग्रह है कि आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि पोस्टमार्टम जितना लेट होगा वो साक्ष्य मिटेंगे और आरोपियों को फायदा मिलेगा। तो आप हमारा हेल्प करें, सहयोग करें। जय हिंद। इस बात पर आप लोग सहमत हो या नहीं हो? हम फांसी वाली मांग की बात पर सहमत है या नहीं है? अब दूसरी बात आप करेंगे। एक मैं जिला कलेक्टर से भी मांग करना चाहता हूँ और कलेक्टर साहब मैं कहना चाहता हूँ कि शायद हिंदुस्तान में यह प्रयोग किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन आप एक प्रयोग धर्मी अधिकारी हैं। मुझे आज भी याद है पिछले साल 14 अगस्त को भिलवाड़ा के अंदर जब स्कूल के बच्चों को पूरे राज्य सरकार ने निर्णय करके वंदे मातरम जनगण मन सहित 5 राष्ट्रपति के गीत गाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था, उस समय चक्कर आने से 15-20 बच्चियां नीचे गिर गई। उसी वक्त भिलवाड़ा के जिला कलेक्टर ने मेरे सामने सीएमएचओ को बुला के इस बात का निर्देश दिया कि भिलवाड़ा जिले की स्कूल में पढ़ने वाला एक भी बच्चा या बच्ची, उसकी मुझे डिटेल हेल्थ रिपोर्ट मेरे टेबल के ऊपर चाहिए कि क्या इसकी ये हालत है या नहीं है, कि वो उसके अंदर ब्लड कितना है, उसको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, और उसके बाद अगर किसी के कोई गंभीर बीमारी होगी तो उसका डीएमएफटी के माध्यम से अलग से इलाज करूंगा। और वो जो आपने प्रथा शुरू करी, आज मैं आपसे एक दूसरी प्रथा की मांग करता हूँ। और भगवान देवनारायण की सौगंध, ये मेरे मन में रास्ते में आते हुए विचार आया, मैंने इनको भी नहीं बताया अभी तक, और हो सकता है ये क्या पता क्या कहे, लेकिन मैं मांग करता हूँ कि आज हमारी बहन और बेटियां जिनके साथ बलात्कार होता है, वो कई बार शर्म के मारे उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को पी जाती है और लोगों के सामने सार्वजनिक नहीं करती है कि मेरे साथ क्यों घटना घटी, क्योंकि कभी वो परिवार से डर जाती है, कभी वो लोगों से डर जाती है किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। कल मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि राजस्थान के स्तर पर मनचलों के खिलाफ पुलिस को और प्रशासन को एक अभियान चलाना चाहिए। आज मैं आपसे कहता हूँ आप एक प्रयोग शुरू करिए, क्योंकि जो बच्चियां स्कूल जाती है, हम जब भी सुनते हैं तो बलात्कार की घटनाओं में फला स्कूल के वहां पर गैंगरेप हो गया, फला स्कूल के वहां पर छेड़छाड़ हो गई, फला बच्ची वहां पर उसके साथ हो गई, वो बहुत सी छेड़छाड़ की घटनाओं को पी जाती है। कई बार सामने वाला व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होता है, कभी कभी किसी को संरक्षण मिला हुआ होता है, कभी वो खुद पैसे वाला होता है, कभी जाति की ऊंच नीच का सवाल होता है।
तो वो बच्ची ना थाने में जा पाती है ना अपने माँ बाप को एक बात कह पाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक नई शुरुआत करोगे, हर जो स्कूल है बच्चियों की, लड़कियों की स्कूल, उसमें एक शिकायत पेटिका जिसका ताले की चाबी संबंधित थाने के अंदर हो, हर स्कूल के अंदर आप उस पेटी को रखवाओ और उसके ऊपर बच्चों को जागरूक करो कि बेटा अगर तुम्हें कोई छेड़ता है, चाहे वो स्कूल का अध्यापक ही क्यों नहीं हो, अगर कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है, कोई तो स्कूल से बाहर निकल के अंदर आते हुए तुम्हें मंजरा छेड़ता है, तो तुम एक काम करना बेटा, वो चिट्ठी कलेक्टर के नाम पे लिख के उसको उस सीलबंद लिफाफे के अंदर डाल देना, जिसको पुलिस के अलावा कोई नहीं खोलेगा। और पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि जब तक जांच के बाद साबित नहीं हो जाता है कि दोषी कौन है, तब तक प्रार्थिया का नाम कभी जाहिर नहीं होगा। अगर आप ये शुरुआत करेंगे तो पूरे राजस्थान के लोग आपको इस बात के लिए याद करेंगे कि कल मुख्यमंत्री ने कहा, आज यहाँ पर 36 कौम के लोग बैठे हुए हैं और शायद सबके मन में ये भावना है कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए। और एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि जो इन बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं वो पृथ्वी के बाहर के लोग नहीं है, वो आपके और हमारे बीच के लोग, वो हमारे समाज में ही रहते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं। वो दरिंदे तो मानव से दानव बन जाते हैं, लेकिन मानव से दानव बनने की प्रक्रिया में आदमी छोटी छोटी गलतियां करता है, किसी को छेड़ेगा, किसी को फुसलाएगा, किसी को कुछ गलत निगाह से देखेगा, कोई गलत कमेंट करेगा। अगर बेटियां एक बार जागरूक हो गई और उन शिकायत पेटिकों के अंदर आप जरूरी नहीं सब जगह हिसाब रखवाए, क्रमबद्ध तरीके से आप रखवाना शुरू करें, और जिस तरह से एसपी साहब बीट कॉन्स्टेबल लगाते हैं उस तरह से उन स्कूलों के लिए एक कांस्टेबल है जिसकी जिम्मेदारी है कि उसको खोले और खोलने के बाद में उस शिकायत को अपने थाना अधिकारी और प्रशासन के अधिकारियों की जानकारी में लाके उसकी सत्यता को परख कर समय पर कार्रवाई कर दे। तो कई ऐसे मंचले हैं जिनकी समय पर पुलिस भड़ास निकाल देगी तो वो अपनी भड़ास कहीं और नहीं निकालेंगे, उनके बारे में लोगों का जीवन खराब नहीं होगा। ये मांग कैसी है आप बताओ, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब मैं आपसे पूछूंगा सर, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा सुझाव है, और 15 अगस्त के पहले पहले सभी स्कूलों में ये बेटियां लगा दी जाए। बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि 5 मिनट हमारे समाज के हम लोग चर्चा करेंगे, मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग मेरा जे और पटड़ी श्याम की जय।